बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल के तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक है। तो दुआ करने हैं कि तमाम बहन भाई जितने भी होंगे ठीक ठाक होंगे तो सर आफियत ना होंगे। तो मौसम आज जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो बारिश शुरू हो चुकी है। तो मैं ना सब तो पहले तो दाबड़ा देनी हाँ उत्ते मोटर पर, क्योंकि ना बेशक अर्थ भी है लेकिन ये है कि कोई ना कोई काम तो दें ही है ना। हाँ चला तो लें, थोड़ा बहुत पानी तो दे। इतने कोई बोरी सी वो दे दें। बारिश बहुत तेज हो रही, सारी रात अंधेरी रही, हूँ भी अंधेरी चलती रही। बहुत ज़्यादा गंद पै गया तो बारिश होने शुरू हो गई, अजे तक भी हवा चल रही। मोटर ना अर्थ कर दी है बहुत ही ज़्यादा, बच्चों पाँच छः बारी अल्लाह ने दा शुक्र है कि कुछ दिन पहले ना रावल दी जान बच गई है, क्योंकि ना ये अर्थ बहुत तेज आया सी। इसका जो है ना मौसम बढ़िया होया से हले तक भी ना बूंदाबांदी लगी हुई है थोड़ी बहुत, ते मौसम बहुत खराब है। ते मौसम इस दी वजह तो ना अज बाहर साडा खाना पकाना भी बहुत मुश्किल है। ते कोई ऐसी जगह भी नहीं जिथे बंदा बह के खाना पका लवे। ते मैं सिर्फ आलू लैके आई हाँ, वो कहंदे ने कि हसबे तफीक, ते हसबे तफीक ना असीं आलू पकान लगे हाँ क्योंकि इन्नी कीमत सी। ते आलूआं दे नाल थोड़ा बहुत ना मसाला लसन लिआंदा ते आ दो तीन विच प्याज ने ते हरियां मिर्चां ने, तो हूँ इनू कटने छेती नाल। बच्चों कहेंगे कि हेल्प करेंगे ताकि जल्दी हो सके, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया है। तो जो बारिश दोबारा शुरू हो गई ना तो फिर ना पकाया भी नहीं जाना। हाँ तो अपना तो ना लकड़ी ने तो ना ही अपना कोई किचन का बंदोबस्त जो ने ना वो छिले गए ने। तो हम मैं क्या जल्दी जल्दी काट लव, क्योंकि अज बहुत मौसम की परेशानी है और दिल धक धक कर रहा है क्योंकि बदल बहुत गहरा है। तो मसला जोड़ा है ना वो काफ़ी ख़राब हो जाना जो साडा खाना ना पकया, तो क्योंकि बच्चे फिर सुबह दे भी ना सुबह सुबह खाते ने, तो उस तो बाद फिर दोबारा तो हट के तो रोटी खाते कोई नहीं दोपहर टाइम। तो जो प्याज ने ना वो तैयार हो गए ने, तो हूँ असं लसन पान लगे बेच। नमाज का टाइम हो गया तो मैं नमाज पढ़नी है, इस वजह तो मैं क्या छेती छेती ना ला के दे देव। वैसे मौसम खराब है ना तो इस वजह तो और ज्यादा ही ना अंधेरा अंधेरा जहा महसूस हों पे। तो मसाला जो है ना मैं सारा तैयार कर दिता, बेटा नमक लैके आ नाल ही। माशाला जो सालन है ना वो साडा हो गया तैयार। देखो आलू भी इस तरह ने ना कि जिस तरह आ देखो माशाला नजर ही नहीं। हाँ जी नहीं बहुत ही देखो ना गाढ़ा गाढ़ा बना, लेकिन थोड़ा जो ही बनया जिन्ना। हाँ जी नहीं बस शुक्र अलहमदुल्ला जो बन गया। अज लेट हो गई क्योंकि ना घर पैसे मौजूद नहीं सी, तो इन्हों के बुद्ध अज काम भी नहीं सी, इस वजह तो फिर वो गए ने पैसे लैके आए ने, तो फिर असी सालन बनाया क्योंकि आज सालन बनाना भी ना महंगाई के दौर दे विच बहुत ही मुश्किल होंदा है। हाँ जी बिलावल नूं तो भूख लगी होनी क्योंकि ने सवेरे भी नहीं खाया। हाँ जी काफी मैं रात नूं नाश्ता किया, सवेरे भी नहीं किया, दोपहर भी नहीं किया अजे तक। वैसे ही चलो कोई नहीं बस हुणे ही पका लैने। ते माशाला जो साडा रोटी सालन है ना वो हो गया तैयार, तो बच्चों सारिया ने खा लिया, बाकी सारी फैमिली ने खा लिया। तो हूँ आ गई है मेरी वारी, मैं क्या देखो माशाल्लाह किन्नी यमी लुक दे विच सालन तैयार होया है ते रोटी। तो अज दा विलॉग दा असी इत्थे ही एंड करने, सानू अपनियां दुआवां दे विच याद रख्या जे, ते हो सके तो तुहानू अगर साडी वीडियो अच्छी लगे तो इहनू लाइक शेयर जरूर करिया जे, ते हो सके तो सबसक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो बसानी पहुँच सकन, ते व्यू भी ना फिर कम हो गए ने इस चैनल दे वी। ते सानू तमाम बहन भाइयों की सपोर्ट चाहिए है, तो इस ना साडा चैनल चलना है,
जे हो सके तो कोई सानू सपोर्ट करो ताकि ना साडा चैनल ज़्यादा चल सके। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।